खत्म हो चुका है, एनडीए की सरकार एक बार फिर से बन चुकी है। इसी के साथ साथ हमारा महत्वपूर्ण त्यौहार जो है शुरू हो चुका है। जी हाँ, दीपावली और छठ पूजा का पावन जो त्यौहार होता है वो अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे स्टॉल्स लग गए हैं, दुकानें सजने लगी है। इसी के साथ साथ मार्केट में पूरी तरह रौनक दिखाई देगी। फिलहाल तो कोरोना है, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें की जा रही है, लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सतर्क है, लेकिन फिलहाल कोरोना को मद्देनजर रखते हुए लोग त्यौहार मना रहे हैं। अब यहाँ पर मौजूद कई सारे लोग हैं, उन लोगों से जानेंगे कि वो दिवाली के लिए क्या तैयारियाँ कर रहे हैं, कोरोना में किस तरीके से वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं और क्या कुछ मार्केट में सारी चीजों के भाव में किस तरीके से कितनी बिक्री हो रही है और क्या कुछ खास है। पर आइए कुछ लोगों से बात करें। भावना मिश्रा मैम, आपसे जानना चाहेंगे साल दिवाली हम लोग कोरोना को मद्देनजर कोरोना का ध्यान रखते हुए हम पूरी पूरी करके तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा जितना कम हो सके घर से निकल रहे हैं, घर में सफाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कम से कम खाना भी बनाए, कम से कम रौनक रखे, ताकि बात हो लोग कोरोना से बची थे उन लोग को भी कौन से फील हो। और दिवाली में शॉपिंग्स वगैरह के साथ साथ अपने घर की सफाई प्लस जो हम बाहर से लेके आ रहे हैं जा रहे हैं उनको सैनिटाइज करना विच इज़ लाइक प्रायोरिटी टू अस, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोरोना के साथ साथ फेस्टिवल भी एंजॉय। आइए यहाँ पर कुछ दुकान लगे हुए हैं, आप दुकानदार से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार दिवाली को क्या कुछ हम लोग कर रहे हैं और किस तरीके से उनकी आमदनी हो रही। कोरोना में कुछ ना कुछ तो उनको घाटा हुआ होगा, तो जानते हैं उनसे क्या कुछ खास इस बार है। सर अपना छोटू जी, आप तो जानना चाहेंगे कि इस बार दिवाली पे अब तक आपने कितने दिनों से दुकान लगाया? अच्छा, आज से ही लगाना शुरू किया, कल धनतेरस है उसके बाद दिवाली है, तो कितनी ये तो हर घर भी आ सकता है। तो मूर्तियों का कॉस्ट क्या था, जैसे कि आप ये मूर्ति देख रहे होंगे इसकी कॉस्ट क्या है? मूर्ति हमारे पास 200 से लेके 2500 तक की है। अच्छा, तो इस बार क्या कुछ खास मार्केट में भीड़ देखने को मिल रहा है? आज तो शुरू हुई हुई है, तो उम्मीद है कि भीड़ होगी। और ये सारे आप घरौंदे भी देख रहे होंगे, उनके बारे में जानते हैं ये सब कितने का है? ये तो 250 की है। तो आपने देखा कि इस बार दिवाली पर शुरुआत इन्होंने आज से की है, आज की दुकान लगी है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो और लगनी शुरू होगी और इनकी आमदनी कहीं ना कहीं जरूर होगी। प्रेम में हम तो दीपावली जो होता है वो दीपक का त्यौहार होता है। दीपावली में आपको चारों तरफ केवल लाइटिंग ही लाइटिंग नजर आएगी, हर एक घर में लाइटिंग होती है, दीपक जलते हैं, कैंडल्स जलते हैं और जो सबसे मेन होता है वो यही होता है दिया, जिसे हम कहते हैं चीनी मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, कैंडल्स जलाए जाते हैं और आज का जो ट्रेंड है वो है खूबसूरत सुंदर सुंदर से दिए। इसी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश जी की जब हम पूजा करते हैं तो खास तौर पर वहाँ पर हम दिए जलाते हैं। अब इन दीपक को आप देख सकते हैं कि ये दीपक कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, कलरफुल्स हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग डिज़ाइन के हैं, लोगों को कितना आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से इस ट्रेंड को आगे लेकर जा रहे हैं और किस तरीके से दिए को वो पसंद कर रहे हैं, क्या कुछ इसका कॉस्ट है। यहाँ पर दुकान में जो बैठे हैं उनसे हम बातें करते हैं और जानते हैं कि इन दियों का कॉस्ट क्या है और कितने ज़्यादा लोग इसे पसंद कर रहे हैं और कितना ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। आपका नाम क्या है? जानना चाहेंगे ये जो दिए हैं ये चीनी मिट्टी के दिए हैं? अच्छा, ये मिट्टी का दिया है और इस पर ये खूबसूरत कलाकारी की गई है। अच्छा, ये बंगाल से बन जाता है और दियों का कॉस्ट क्या, कितने रुपए की है? अच्छा, ये 80 रुपए का दिया है, आप देख सकते हैं।
दिवाली स्पेंड करना चाह रहे हैं उसके लिए सहयोग हो आप बना करके अपना। अच्छा अच्छा, तो ये आपकी बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। जी जी, आप देख लीजिए कि आयुषा, इसे प्लीज आप एक बार फिर से फ्रेम में आ जाइए। आप देख सकते हैं कि ये कितने टैलेंटेड है। इन्होंने ये सारे स्टिकर्स जो है वो खुद से अपने हाथों से बनाए हैं, और ये जो है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी बारीकी है और कितना ज्यादा ये सुंदर लग रहा है। लोग इससे प्रभावित, आप इस हिसाब से भी सोच सकते हैं कि मुझे आइडिया नहीं लगा कि ये मतलब हैंडमेड है या फिर ये इन्होंने खरीद कर बेचना शुरू किया। आप देख सकते हैं आपने कहाँ से सीखा? हाँ, मेरी दीदी को सीखी है, वही ये सब करती है, तो थोड़ा बहुत हमको भी आता है, वही हम भी करते हैं। इसको बनाने में क्या कुछ लगा आपको? आप पेपर, स्टोन, कलर, बस। एक स्टिकर कितने देर में बना देती है? 10 सेकंड। एक स्टिकर 10 सेकंड में बना लेते हो? अरे वाह भाई वाह, देख सकते हैं आप ये कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। अगर मैं बनाने बैठूँ तो काफ़ी टाइम, 1 घंटा लग जाएगा मुझे, लेकिन ये इतने सुंदर सुंदर स्टिकर्स जो है वो खुद से बनाती है। अब उनके पापा भी जानते हैं कि वो अपनी बेटी पे कितना नाज करते हैं। सर, आपकी बेटी इतने सुंदर सुंदर स्टिकर्स बना लेती है और आप लोग सेल कर रहे हो, और कितना ज़्यादा लोग ले रहे हैं? ग्राहक धीरे धीरे आ रहे हैं, जैसे जैसे शाम ढल रहे हैं उस तरह से ग्राहक आ रहे हैं, अपना चॉइस करते हैं उन हिसाब से अपना प्राइस तय करते हैं। ये बहुत खास बात है, आपकी बेटी इतनी टैलेंटेड है, पढ़ाई भी कर रही है, आपके लिए वक्त निकाल रही है, सेल भी कर रही है और बना भी रही है। जी जी जी, हाँ, मैं राजधानी पाटा इसको पार्ट में मैं मालिक का काम करता हूँ। अच्छा, और पार्ट टाइम में सबको सीखा दिया हूँ कि सब अपना अपना कुछ करो घर में, जिससे कि कुछ रोजी रोटी, हाँ, पार्ट टाइम में अपना कुछ करो जिससे कि अपना हट निकल जाए। अच्छा, मतलब आपकी बेटी हट तक कर लेती है? जी हाँ, इससे खर्च अपना निकाल लेती है,
जो कि घरेलू कुछ अपना कर रहे हैं। तो आपने सुना कि ये अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहे हैं, साथ ही साथ आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखा रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। और आप देख सकते हैं कि आयुषी अभी भी कितनी मेहनत कर रही है, सारे स्टिकर्स को सजा रही है ताकि लोगों की नज़र अच्छे से इस पर पड़ सके। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर आयुषी के दुकान पर आए और आयुषी से स्टिकर्स ज़रूर खरीद। अब दिवाली हो और मिठाइयाँ ना हो तो ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दिवाली में सबसे अगर इम्पोर्टेंट कुछ होता है दिए के बाद, कैंडल्स के बाद, घर सजाने के बाद, तो वो होता है मिठाइयाँ, लावा और परी, जो कि हम लोग जब घरौंदे को भरते हैं या फिर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोग चढ़ाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बताशे हैं, ये चीनी की मिठाइयाँ हैं जो कि अलग अलग आकार में आपको कलरफुल तरीके से दिखाई देगी। आप जानते हैं कि यहाँ पर इस साल इनकी कितनी बिक्री हो रही है, क्या कुछ जनता का रुझान है, किस तरीके से जनता जो है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? लोग ज्यादा क्या कुछ लेना पसंद करते हैं? लोग ज्यादा किसी का मिठाई लेना पसंद करते हैं। तो आपने सुना कि लोग जो है वो लावा और ये जो चीनी की मिठाइयाँ हैं ये ज़्यादा लेना पसंद कर रहे हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और जाहिर सी बात है कि दीपावली में हम लोग ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो हम पटना वुमेन्स कॉलेज के पास बेली रोड में हैं, जहाँ पर आपको दिवाली के जो कुछ चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो घर सजाने को लेकर चीज़ हो, जैसे खूबसूरत तोरण हो, मिठाइयाँ हो, लावा फर हो, मूर्तियाँ हो लक्ष्मी गणेश जी की जिनकी हम पूजा करते हैं, घेरे घिरौंदे हो, चाहे वो लकड़ी का हो या फिर चीनी मिट्टी का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आसानी से एक ही जगह पर सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अगर दिवाली की खरीदारी करेंगे तो आप यहाँ पर आकर ज़रूर खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ दुकान पर सड़क पर जो लोग घर लगाते हैं इसी उम्मीद पर लगाते हैं कि हम जो लोग हैं यहाँ पर आकर इनसे ये सारी चीज़ें खरीदें ताकि इनकी दिवाली भी हमारी दिवाली की तरह ही सुंदर और खूबसूरत बन सके। तो फिलहाल की अपडेट में बस इतना ही, ऐसे ही अपडेट कवरेज हम आप तक लेकर पहुँचते रहेंगे और किस तरीके से बिहार में लोग क्या कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।